प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे बंगाली रसगुल्ला कैसे बनाया जाता है। बहुत ही सरल विधि है इसको, आप घर में ही बंगाली रसगुल्ला बना सकते हैं। इसको पंजाब में स्पंजी रसगुल्ला भी बोला जाता है। बंगाली रसगुल्ला बनाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए। 2 से 3 किलो आप ले सकते हैं फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए, और 2 बड़े नींबू ले लीजिए। और इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले इस फुल क्रीम दूध को आपने 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। उबालने तक आप टेम्परेचर से देख सकते हैं कि 80 डिग्री टेम्परेचर तक इसको गर्म करना है। और इसके बाद इसको गर्म करने के बाद आपने इसको जो नींबू हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छी तरह नींबू का रस इसके अंदर मिला देना है और इसको आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद ये दूध फट जाएगा। फटने के बाद आपने क्या करना है कि इसको एक सूती कपड़े में इसको इस मिश्रण को डाल देना है, जिससे इसका सारा पानी निकल जाएगा। और आपने इसको अच्छी तरह निचोड़ देना पानी को। जब पानी इसका निकल जाए तो उसको आपने अलग से ठंडा करके इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल देना है। 2-4 1/2 गिलास में ठंडा पानी डाल देना है, फिर अच्छी तरह निचोड़ करके, ताकि इसका जो खट्टापन है नींबू का वो निकल जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अलग रख के एक प्लेट में इसके छोटे छोटे से गोले से बनाकर रख देने हैं, जिसमें पानी बिल्कुल ना हो, बिल्कुल सूखे के गोले गोले से बनाकर रख देने हैं। और आपने कढ़ाई में इसको क्या करना है कि इन गोलों को अच्छी तरह उबालना है। उबालने से इसमें थोड़ा सा कड़ापन सा आ जाएगा उबालने के बाद आपने इनको निकाल लेना है। और देसी खांड की चाशनी, बिल्कुल पतली चाशनी बनानी है, बिना तार वाली, जैसे पानी मीठा पानी होता है उस प्रकार की आपने हल्की चाशनी बनानी है। और जब चाशनी बन जाए तो आपने उसमें थोड़ा सा जो दूध है वो 1/2 गिलास उसमें दूध डाल देना है और उस मिश्रण को तैयार कर देना है। उसके बाद आपने उस मिश्रण में थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं, कलर चेंज हो जाएगा और ये येलो कलर में थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा। और ये जो अपने स्पंजी के रसगुल्ले, बंगाली रसगुल्ले पहले बना के उबाल के रखे हुए हैं, वो इसके अंदर आपने डाल देने हैं। थोड़ी देर इसको हिलाते रहना है और जो रस है इसका वो इसके अंदर चला जाएगा। और अपने आप दबाएंगे तो फूल जाएगा, फिर दबाएंगे फिर फूल जाएगा। ये स्पंजी रसगुल्ला, बंगाली रसगुल्ला आपके लिए तैयार है। आप इसको खा सकते हैं, घर में बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।